देखिए, कल राजस्थान की विधानसभा का जो सत्र है 19 तारीख से, उसको लेके विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष का मेरे पास टेलीफोन आया था कि आप सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लें। चूंकि आज राजस्थान का जवान तकलीफ के अंदर है, वो सड़कों पर आरपीएससी की हड़तर्मिता को लेकर, और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी थी पेपर लीक की घटनाओं को लेकर, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, सीबीआई जांच हो, लोकसभा तक मामला उठा, यहाँ भी हमने आंदोलन किए, आरपीएससी का तंत्र भ्रष्ट हो चुका पूरा, पूरी आरपीएससी अखंड भ्रष्टाचार के अंदर भी पूरी जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई, और जिस तरह गहलोत के करीबी लोगों को आरपीएससी के अंदर चेयरमैन बनाया, जिस तरह कटारा जो मेंबर है जेल के अंदर है, और दुर्भाग्य देखिए कि कटारा जेल के अंदर फिर भी आरपीएससी का मेंबर है, और बार बार सरकार ये कह रही है कि हम आरपीएससी को भंग नहीं कर सकते, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया किसने? सरकार से ऊपर कोई नहीं है, सरकार चाहे है तो सरकार राज्यपाल राष्ट्रपति को रिकमेंड भेज के है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो स्टेट में जिनकी सरकार है दिल्ली में इन्हीं की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत इन नौजवानों की बदौलत हुई। तो मैंने सर्वदलीय बैठक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो जवान की पार्टी राजस्थान के अंदर, किसान की पार्टी है, और जवान किसानों के लिए सबसे लंबी लड़ाई आरएलपी पार्टी ने, चाहे लोकसभा केंद्र में था यहाँ था, लड़ाई लड़ी, और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस सर्वदलीय बैठक में इसलिए हिस्सा नहीं लूंगा कि आरपीएससी को भंग करे सरकार, ये हमारी मांग है। आरपीएससी भंग करे, कटारा सहित तमाम जो लोग हैं, अभी तो कटारा ही नहीं हटा जो जेल के अंदर है, आप बताइए किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनके, राज्यपाल इनका, सीएम इनके, सारी चीजें होने के बाद इस तरह वही जो अफसरशाही राजस्थान के अंदर चली, जिस तरह की सूचियां आ रही है, वही गहलोत वसुंधरा के जो नजदीकी लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट चला रहे थे राजस्थान को, वही ब्यूरोक्रेट राजस्थान को चलाने के लिए कोई नहीं हुआ, और सीधा सीधा अब तो मुझे लग रहा है कि जो नेताओं की स्थिति बनी राजस्थान के अंदर, मुझे लग रहा है अधिकारी सरकार चलाएंगे। आरएलपी पार्टी का ही निर्णय है कि विधानसभा के सत्र के अंदर भी आरपीएससी भंग करने के लिए मामले को मजबूत तरीके से उठाएंगे, और आरपीएससी भंग करे, ये प्रमुख हमारा मुद्दा कि आरपीएससी को राजस्थान की सरकार भंग करे, और उसके बाद हाउस को चलाए, उसके बाद सदन चले, ये मेरी तरफ से मांग रही है।